बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्राउज़र की कटिंग के बारे में। तो इसकी लेंथ जो है वो 36.5 इंच इसकी लेंथ है, 36.5 इंच इसकी लेंथ है, 7.5 इंच इसका पांचा है और हिप इसकी 14.5 है, 14.5 इंच इसकी हिप है। तो 12.5 इधर से रख लेना है और आसन जो है इसकी 14 इंच है, तो इधर से आपने 13 इंच रख लेनी है, इधर से भी 12.5 रख लेना है, इधर से 2 इंच रख लेना है, 12.5, और इधर से आपने 6 इंच पे निशान लगा के इसका 7.5 इंच पांचा है, आपने 8.5 इंच इधर से रख लेना है। ये आम सादा सा ट्राउज़र है, ये बात ये इसी तरीके से आपने निशान लगा लेने हैं, ये बात है। इसी तरीके से ये वाला निशान भी आपने लगा लेना है और इधर से आपने 0.5 इंच इसको डाउन कर देना है और इसी तरीके से आपने इसका ये फ्रंट काट लेना है, ये फ्रंट कट गया। उसके बाद आपने इधर से 2 इंच रख लेना है और इधर से भी 2 इंच रख लेना है और इधर से 3 इंच रख लेना है और इधर से 1.5 इंच रख लेना है। इसी तरीके से सभी निशान लगाकर इसको आपने काटना है, ये इसी तरीके से। ये निशान भी ऐसे लगा लेना है, ये निशान भी लग गया। ये तकरीबन मीडियम साइज का ट्राउज़र है, इधर से भी ऐसे कट कर देना है। उसके बाद आपने इधर से भी इसको कट कर देना है, और ये नीचे आपने इसको निशान लगा लेने हैं, जितना नीचे फोल्ड करना है उसी तरीके से, ये वाला। ये कटिंग हो गया, उसके बाद इसको बराबर करके ऐसे ये इधर भी आपने ये निशान लगा देना है। तो ये तरीकाकार था ट्राउज़र काटने का, या हम सिंपल सादा सा ट्राउज़र है, इसलिए इसमें ज़्यादा तफसील के साथ मैंने बताया नहीं है। तो मेरी वीडियो लाजमी देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और मेरी तरफ़ से सब बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।